जिमिन, क्या कल ही जाना जरूरी है? तेरी पैकिंग हो गई है? वो नहीं, शाम को कर लूंगी। जिमिनी, प्लीज मत जाना, कभी और चले जाना जेहोप के साथ। तू मेरे अलावा कहीं नहीं गई है अभी तक, तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है तेरी। जीनी, अगर आज तुम ऑफिस ना आओ तो भी चलेगा। आज तुम जिमिन के साथ घर में रह के पैकिंग में हेल्प कर दो, मैं ऑफिस में सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे कितना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिला है, मैं बस यही कहने वाली थी जॉनी। थैंक यू सो मच मुझे इतनी समझने के लिए। आई लव यू सो मच जॉनी। आई लव यू टू बेबी।
को मांगा तो वो सिला। शश, बेबी, लेट मी स्पीक। नहीं, और कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं है, आप यहाँ से। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे, फिर सोख भी मनाए। सुबह छोड़ो मुझे। नो नो जिमिन, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं रह सकता। प्लीज जिमिन, ऐसा मत करो मेरे साथ, आई कांट लिव विदाउट यू जिमिन। चुपका मेरा हाथ छोड़ो। मैंने जो भी किया है उससे मैं किया है। प्लीज आई एम सो सॉरी फॉर दैट। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ जिमिन, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। आई कांट जिमिन, आई कांट लिव विदाउट यू। आई लव यू सो मच जिमिन, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। रिलैक्स, सुबह हम आराम से बात करते हैं। तुम पहले काम कर जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। पूछो ना पूछो ना पूछो ना, हम सताए हुए हैं। अब बताओ आपको क्या कहना है? देखो बेबी, तब मैंने जो भी कहा था गुस्से में कहा था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। तुम्हें पता है ना, गुस्से में मैं कुछ भी कह देता हूँ। हो गया, तो अब मैं आती हूँ। प्लीज बेबी मत जाओ ना, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। इतना जल्दी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे जीना है तुम्हारे साथ। प्लीज बेबी मत जाओ। पर अगर फिर भी तुम्हें जाना है तो फिर तुम जा सकते हो, पर जाने से पहले खुद को इतना तैयार जरूर कर लेना कि मेरे मरने का दुख तुम सह सको। और अगर मैंने ये कहा है तो मैं ये करूँगा भी, और ये तुम्हें भी अच्छे से पता है। तो आप क्या चाहते हो? माफ कर दो, मत जाओ छोड़ के। ओके फाइन, मैं आपको माफ कर दूंगी, पर आपको मेरी तीन शर्तें माननी पड़ेगी। ओके डन। पहले सुन तो लो। कोई जरूरत नहीं है, जो है सब चलेगा। नहीं, पहले आप सुनो फिर डिसाइड कर लेना। ओके, अगर तुम बताना चाहती हो तो फिर तुम मुझे बता सकती हो, पर बेबी आई एम ओके विथ योर ऑल कंडीशन। ओके, गुड फॉर यू। सो मेरा पहला शर्त है कि किस मी। कोर्स बेबी, अगर तुम ना भी कहते तो फिर भी मैं ऐसा करता। कम, आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ किस। अबे ओए, दिन में सपने देखना बंद कर और मेरी पूरी बात सुन। अगर आज मुझे माफी नहीं चाहिए होता ना, तो इस बदतमीज लड़की को मैं दिखाता और ऐसा लैंग्वेज यूज करने के लिए इसे पनिशमेंट में जरूर देता। अबे ओए। हाँ हाँ बेबी, बताओ ना। मुझे मेरे ग्रेजुएशन डे पे पूरे कॉलेज के सामने किस करना होगा। सबके सामने? Any problem? नहीं बेबी, just I am feeling shy. जब अपने गर्लफ्रेंड के होते हुए किसी और लड़की के साथ शादी करने के बारे में बात कर रहे थे, तब कहाँ गई थी आपकी ये शर्म? वो बेबी, मैं तो कर लूँगा, ये तो बस मैं मजाक कर रहा था। मैं तो कोई शर्माई नहीं हूँ। Come on सुगा, तू कर सकता है, तेरी बेबी का माफी भी तो तुझे चाहिए ना। पर उसके बाद वो कॉलेज में छोड़ने वाला हूँ। तो दूसरा शर्त, तुम्हें दी और जीजू को हमारी शादी के लिए मनाना पड़ेगा, वो भी कल ही। What बेबी, पर भाभी जीहूब को पसंद करती है। तो क्या मैं जीहूब से शादी कर लूँ? जीहूब को तुमसे शादी करने के लिए जिंदा रहना भी तो जरूरी है ना, जो मैं होने नहीं दूंगा। तो मैंने जो कहा वो चुपचाप से करो। ओके बेबी। और तीसरा शर्त, मुझे आप बॉक्सिंग करने से कभी नहीं रोकोगे। नहीं, ये तो हरगिज नहीं हो सकता। ओके, तो फिर आप जा सकते हो, मुझे भी मेरी पैकिंग करनी है। ओके ओके ठीक है, पर मेरा एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी दिन तुम्हें कुछ सीरियस चोट लग गई तो उस दिन तुम्हें बॉक्सिंग छोड़ना पड़ेगा। व्हाटएवर, देखा जाएगा। वो अच्छा, तो फिर ये क्वेश्चन ऐसा क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में नहीं, तेरे दिमाग में। माँ माँ, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है माँ? क्योंकि तू अंधा है बच्चे। वो मैं तो सोचता था कि मैं गवार हूँ, पर अंधा बेहतर है। शट अप गाइस, सामने फाइनल एग्जाम है, मुझे पढ़ने दो। और जी होप, अगर तू चाहता है कि इस बार तू पास हो जाए तो फिर पढ़ ले चुपचाप से। नहीं, इस बार ऑफर प्रिंसिपल की लड़की को दूंगा। अगर पास
भी कभी चुप नहीं हुआ तो मैं सुगा भाई को अभी बुलाती हूँ, फिर सुगा भाई आके देखेंगे कि तेरा क्वेश्चन कितना गलत है और कितना सही। नहीं! Shut up! Okay. भाई, ओ दे, मुझे तुमसे कुछ टिप्स चाहिए था। किस बारे में भाई?